हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का वीडियो है एक्ट 5.2.1 का कंप्लीशन। देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेस्ट है और इसमें आपको जाते ही चार पोर्टल मिलेंगे, ए बी सी या डी। हम पिक करेंगे बेसिस हमें कौन सा सिंपल लग रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओपोनेंट्स वी हैव टू डील विद। अभी तक देखकर ये लग रहा है कि पार्ट सी में सिर्फ तीन चैम्पियन आते हैं और उसके बाद सीधा आप बॉस पे या मिनी बॉस पे पहले जाएंगे, फिर बॉस पे जाएंगे। तो इसके इस बात में हमारे कुछ खास है नहीं, बस आपको ये तीन चार फाइट्स पहले वाली लड़नी है जो थोड़ी सी अनोइंग होती हैं। ज़्यादा अनोइंग नहीं है, पावर शील्ड है इसमें और पावर शील्ड इज़ बेसिकली वेरी सिंपल। उसमें क्या इंश्योर करना होता है कि आपका क्रिटिकल डैमेज हिट करे, सॉरी आपका स्पेशल अटैक हिट करे, तो आपका जो भी चैम्पियन है जिसका स्पेशल कौन सा भी तगड़ा है आप वही यूज़ करें। मुझे पता है मेरी ब्लैक विडो का स्पेशल 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसका स्पेशल 2 ही रिलीज़ करूँगा। और जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं, डिफेंडर डैमेज ले रहा है डैमेज ओवर टाइम, सो ब्लीड, शॉक, पॉइजन, इन सब से डैमेज लेगा। और बहुत ही सिंपल मैच था पहला, क्योंकि कार्नैक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड उस ब्लैक विडो का स्पेशल 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इजीली स्पेशल 2 देते ही कार्नैक मर गया। सेकंड फाइट है हिडन मिस्टेक। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसको लेके जाऊँ, हाइपीरियन लेके जाता हूँ, क्योंकि हाइपीरियन बहुत ज़्यादा पावर गेन करता है। अनोइंग चैम्प है जगरनॉट, इससे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इसके अनस्टॉपेबल को झेल लें। अभी आपने जैसे देखा कि मैंने उसको पैरी किया था जब वो अनस्टॉपेबल था, तो मेरे को नलीफाई उसने कर दिए मेरे फ्यूरी। बट आई विल गो हेड एंड गिव माई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल। पहले उसको थोड़ा डैमेज, उसकी हेल्थ कम करते हैं स्पेशल 1 से। इंसिनरेट भी देख रहे हैं, 4 गुना का डैमेज आया हुआ है। लेट्स गो फॉर मोर फ्यूरीज एंड ट्राई टू गेट अ स्पेशल 2 इन, ताकि डैमेज ज़्यादा आए। 7000 7000 5000। अनफॉर्चुनेटली मेरे को स्टन नहीं मिला, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसका और स्पेशल 2 दूँ ताकि वो अपना स्टन हो जाए और मैं उसको मार सकूँ, पर वो हुआ नहीं। और वो 2 बार्स ऑफ पावर पे आ गया, तो उसका रिलीज़ करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अटैकर्स का डैमेज काफ़ी, सॉरी डिफेंडर का अटैक काफ़ी बढ़ गया है, और हल्का सा ब्लॉक डैमेज भी आप लेते हैं तो बहुत बुरी तरह पिटते हैं। और आप देखेंगे मैं उसके अनस्टॉपेबल में घुस गया और बुरी तरह पिट गया। जैसे कि आप देख रहे हैं जगरनॉट का 4800 का डैमेज आ रहा है। और एक और नोड है इसमें जो है रोल रिवर्सल, तभी मैं कॉस्मिक चैम्पियंस इसके अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैं 2 हिट खाई जगरनॉट से और मैं बुरी तरह डैमेज हो गया। बट मेरा थोड़ा सा अभी डैमेज आ रहा है जगरनॉट पे, क्योंकि मेरे ब्लीड उसको दे रहा हूँ। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि उसको जल्द से जल्द मारूँ, क्योंकि वो मेरे को सिर्फ ब्लॉक डैमेज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुका है। 34% पे आ गया हूँ। ये थोड़ी सी अनोइंग फाइट है, बट अगर आपका किस्मत साथ दे, जैसे मेरा हाइपीरियन के साथ किस्मत ने साथ नहीं दिया था, एक भी स्पेशल 2 पे स्टन नहीं आया था मेरा, अगर मेरे को मिल जाता तो शायद वो फाइट ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती। ओके, सो नेक्स्ट फाइट है अगेन रोल रिवर्सल है नोड। 400% पावर शील्ड है, तो स्पेशल से जल्दी मरेगा चैम्प। ये फाइट है हमारी राइनो की। इसमें एक और नोड है जो ध्यान देने वाला है, वो नोड है कि जब राइनो अपना हैवी चार्ज करेगा तो हम उसको, वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा और उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो ये वाला ओपनिंग आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि मैं इसमें बहुत जल्दी मर गया।
और मैं ये रॉ वीडियो इसलिए पहले लगा दिया है क्योंकि अगर आपके दो या तीन चैंपियन मर भी जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका गेम ओवर हो गया है। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, राइट गाइस। तो अब हम लेकर आए हैं ब्लैक विडो को, कोशिश करेंगे कि एक एसपी को मारें और इसको ख़त्म कर दें और शॉक डैमेज से जितना डैमेज दे सकते हैं दें। देख रहे हैं आपकी शॉक डैमेज के टिक चली जा रहे हैं, वो अनस्टॉपेबल हुआ, पर थैंकफुली मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी और अनस्टॉपेबल पे, पर उसने ब्लॉक कर दिया थैंकफुली, वरना मैं पूरी तरह पिट जाता। मेरा स्पेशल टू आ गया है एंड आई थिंक आई शुड बी एबल टू किल हिम। यस, आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि मेरी ब्लैक विडो R3 हो चुकी है एंड दैट आई एम इन अ बेटर शेप नाउ। लेट्स गो टू पाथ बी, क्योंकि पाथ ए में आपको दो और फालतू में लड़ने पड़ेंगे। पाथ बी से आप पूरे क्वेस्ट को सिर्फ 6 फाइट में कंप्लीट कर सकते हैं। दो मिनी बॉस आएंगे, आइस मैन के और इलेक्ट्रो के, फिर सीधा हुड का बॉस। लेट्स गो विद सेम नोट्स, रोल रिवर्सल है और आपका पावर शील्ड है। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं मेरा रेड हल्क बहुत डैमेज ले रहा है, वो उसका कूल स्नैप शुरू में मिलता है ड्यूक डाइस मैन पे। इसका मुझसे SP1 कभी कभी इवेड नहीं होता, तो मैं इस फाइट के लिए प्रॉबली इग्नोर ही करूँगा उस और ब्लॉक डैमेज लेना प्रेफर करूँगा। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना स्पेशल दूँ उसे और थोड़े अपने डैमेजेस बढ़ाऊँ। 10 चार्जेस हो गए मेरे पास इग्निशन के एंड मैं उस पर अपने स्पेशल थ्रो कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हासिल हो रहा है रेड हल्क को। लेट्स सी क्या करता है, ये अपना स्पेशल देगा कि नहीं देगा। उसका मैंने आइस आर्मर हटा दिया क्योंकि पैरी में वो स्टन नहीं होता, पर ही लूजेस इज आइस आर्मर। स्पेशल टू इवेड करना ज़्यादा आसान है, 2 स्वाइप बैक्स हैं, ध्यान देना होता है कि वो एक अपना हाथ आगे करता है फिर हाथ नीचे करता है, तो तब आपको स्वाइप बैक करना है। एक और स्पेशल वन और आइस मैन इज डाउन। सो दिस इज़ क्वाइट एन ईजी क्वेस्ट। मेरे 2 चैम्प मर चुके हैं, बट आई थिंक आई विल स्टिल बी एबल टू कम्प्लीट दिस ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या, ईजिली काफ़ी कम्प्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 13 मिनट का है। इससे पहले वाली क्वेस्ट काफ़ी मुश्किल से 20-25 मिनट के वीडियो बन रहे थे एंड उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ज़्यादा, हाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी क्योंकि ज़्यादा देर तक लड़ना था। इसमें ज़्यादा देर तक नहीं लड़ना है, इसमें बस इंश्योर करना है कि आपका स्पेशल डैमेज हिट करे और आप लैंड करें और वो मर जाए। आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत रिवाइव्स एक्सेट्रा ये सब बचे हुए हैं, एनर्जी वनर्जी भी बहुत है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ ही कर दूँ अपनी एनर्जी एंड लेट्स गो एंड ट्राई टू किल इलेक्ट्रो। मैंने देखा मेरे पास काफ़ी हेल्थ पॉट्स भी बचे हैं, तो अब मैं वो थोड़े बहुत 2 या 3 लगा लिए रेड हल्क में ताकि मेरा थोड़ा हेल्थ आ जाए और मैं इसको जितना ज़्यादा मार सकूँ मारूँ, क्योंकि इलेक्ट्रो का जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो डैमेज रिफ्लेक्ट बैक करता है, और जब वो डैमेज रिफ्लेक्ट बैक होता है तो आपके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। पर थैंकफुली अभी ये पावर शील्ड नोड है तो हम उसको कुछ डैमेज दे ही नहीं रहे, तो हमारी भी हेल्थ कम नहीं हो रही। अब आप देखेंगे स्पेशल वन दिया मैंने तो मेरी हेल्थ काफ़ी कम हुई रेड हल्क पे। मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि मैं अपने इग्निशन चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं और इसको जल्द से जल्द मारूं। अब मेरे 6-7 इग्निशन चार्जेस हो गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 करूं और 10 हो गए हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं स्पेशल वन नहीं दूंगा क्योंकि वो मरेगा नहीं एंड मैं मर जाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि मैं इसको स्पेशल 3 दूंगा जिससे कि वो ही मर जाए और मैं फिर भी ज़िंदा रहूँ। सो दैट इज़ अ लिटल टिप फॉर यू कि आप भी अगर ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रो में फंस रहे हैं तो ना फंसें, स्पेशल 3 दे फाइनली पहुँच कर अपने किसी भी चैंपियन से और उसको जल्दी मार दे, क्योंकि 400% का लोड है, आपके स्पेशल डैमेज 400% से हायर आएंगे।
और आपने देखा कि इलेक्ट्रो इज डाउन एंड फाइनली वी हैव द फाइट फॉर हुड। उसमें देखते हैं क्या अगर कोई स्पेशल नोड है कि नहीं, पावर शील्ड ही होगा मेरे हिसाब से। लेट्स गो, इसमें पावर शील्ड, रोल रिवर्सल, स्पेशल टू बायस है, एनर्जाइज है और उसकी स्पेशल टू अनब्लॉकेबल है। ओके, और उसको इवेट करना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका स्पेशल वन ही इवेट करूं। लेट्स सी कैसे होता है। वो स्पेशल वन पे आ गया है, उसको पुश करते हैं थोड़ा, क्योंकि बॉस है तो वो दे भी देगा, बट नोड इज स्पेशल टू बायस, बट अब वो इनविजिबल हो गया है अनफॉर्चुनेटली। वेट करते हैं उसका इनविजिबिलिटी हटने का। नाउ अगेन होपिंग कि वो स्पेशल अपना रिलीज कर दे, और उसने कर दिया। फिर से उसको स्पेशल वन पे ही ला के रोका मैंने, ज़्यादा उसको पुश नहीं किया स्पेशल टू के पास ताकि वो स्पेशल टू दे और हम मर जाएं। उसका स्पेशल टू ही वेट करना मुश्किल है क्योंकि गोलियाँ मारता है वो। मैंने अपना एक स्पेशल वन भी दे दिया रेड हल्क के साथ और उसको 10% डैमेज दे दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पेशल वन पे ला के छोड़ोगे और पीछे भागोगे तो वो अपना स्पेशल रिलीज कर देगा। तो आप ये मत सोचो कि स्पेशल टू बायस है तो वो स्पेशल वन देगा ही नहीं, दे रहा है। अभी उसको फिर से स्पेशल वन पे ला के छोड़ा एंड ही हैज़ गिवन इट, और मैं एक हिट के बाद अपना स्पेशल दे दिया। ही इज़ एट 57%, मैं हूँ 13% पे। फिर से उसको स्पेशल वन पे ला के छोड़ा एंड उसने फिर से दिया। सो इट्स वेरी सिंपल, आप ये पैटर्न देख रहे हैं मेरे हिसाब से, और वो बहुत मर चुका है, 17% ही बचा है उसका। आई थिंक एक ही स्पेशल और लगेगी मेरी, और मैं गलती से मर गया। कोशिश कर रहा था उसके अटैक्स, बट डेक्स करते हुए मारा गया। 38 हिट्स में उसकी आप हेल्थ देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचे। लेट्स जस्ट टेक एनीवन, आई थिंक ब्लैक विडो ही लेके जाता हूँ मैं। फाइट दबा दिया है मैंने अनफॉर्चुनेटली, कबैम के सर्वर इश्यूज चल रहे हैं। लेट्स सी ओके, नहीं वेनम लेके आया हूँ मैं क्योंकि रोल रिवर्सल मोड भी है। एंड लेट्स जस्ट फिनिश हिम, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये तो ब्लीड डैमेज से ही मर जाएगा इफ़ आई गेट प्रॉपर ब्लीड्स। स्पेशल दिया उसने अपना, अब फिर से मैं कोशिश करूँगा स्पेशल इवेट करूँ, तो पैरी करना। उसने फिर से रिलीज कर दिया अपना स्पेशल एंड मैंने स्पेशल वन दी पर नहीं मरा अनफॉर्चुनेटली। फिर से उसने दे दिया एंड आई थिंक अब मर जाना चाहिए। अब दो ब्लेड भी दाग चुका हूँ मैं उसके अंदर एंड ही इज डेड। ऑलराइट गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया एक्ट 5.2.1 के कम्प्लीशन का, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और याद रखें ये बहुत पहले दो चैप्टर्स बहुत इजी हैं एक्ट 5.2 के पावर शील्ड नोड्स, और आप आराम से कर पाते हैं। रियल चैलेंज स्टार्ट्स एट 5.2.3, तो उसके लिए भी रेडी रहिए आप लोग। अच्छा सॉरी, ये वाला था एक्ट 5.2.2, 5.2.1 का वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। आई थिंक मैंने बनाया हुआ है और वो मैं अपलोड कर दूंगा। चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हिट द लाइक बटन, सी यू सून।